ताली बजाने से एक तो ऊर्जा का सृजन होता है, ठंड भी कम लगती है और खुद को भी एनर्जी मिलती है ताकि जो भी हम काम करें और जो सामने बोलने वाला होता है उसको भी ऊर्जा मिलती है। तो डाउट क्लास आज सिली से सिली डाउट पूछ लो, आपको लगता है सिली डाउट है लेकिन उसमें बहुत बड़ा महत्व होता है, उसमें बहुत बड़ा पंच पावर होता है, उसमें बहुत कुछ मेजर इश्यू सॉर्ट आउट हो जाता है। तो डोंट होल्ड योरसेल्फ, जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल ट्राई एंड आंसर। मैं सदगुरु तो हूं नहीं, गुरु हूं तो कोशिश तो करेंगे। और या लेट्स स्टार्ट सर, लाइक इन ग्रुप डिस्कशन मेनी चिल्ड्रन ट्राई टू जस्ट शो द इंप्रेस द जीटीओ एंड दे से दैट दिस हैव ही हैव नॉट स्पोकन, ही हैव नॉट स्पोकन, सो लेट हिम स्पीक। सो डू वी डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज? ओके, सो सवाल ये है कि ग्रुप डिस्कशन में कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बोला जाए कि ना बोला जाए कि लेट नंबर सो एंड सो स्पीक, ही हैज गॉट सम गुड आइडियाज, और लेट हिम स्पीक, लेट अस गिव हिम अ चांस, यही है ना सवाल? यस। तो इसको मैं किस्से से समझा देता हूँ कि कुछ साल पहले एक लड़का यहाँ पे आया था, उसका नाम आदर्श चौरसिया था। तो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे उसने बोला कि लेट नंबर 26 स्पीक, ही हैज गॉट सम गुड आइडियाज। तो मैंने उसको तभी रोक दिया और बोला, मैंने कहा बेटा तुमने ऐसे क्यों बोला? उसने कहा सर हमने सुना है ऐसे बोलना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा लेकिन आपका मन क्या करता है? कह रहा मेरा मन करता है बस सुनूं और समझूं और फिर पार्टिसिपेट करूं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है आपने तो बता दिया, 26 से पूछ लेते। तो 26 को पूछा कि हाँ भाई यू गॉट गॉट गुड आइडिया, जैसे सर मेरे को तो टॉपिक ही समझ में नहीं आया, इसने मुझे फंसा दिया। आपको कैसे मालूम? उसने तो ट्राई भी नहीं किया। आपको कैसे मालूम कि उसके पास गुड आइडियाज हैं? क्या आप पहले उसको जानते थे? नहीं जानते। इतना क्या वो इस टॉपिक के बारे में कुछ ट्राई कर रहा था? बोले नहीं कर रहा था। तो आपने इंप्रेस करने के लिए बोला है, क्या बताना चाहते हो कि मैं दूसरों को चांस देता हूं? आप अगर दूसरों को चांस देते हैं तो समझ में आ जाएगा अपने आप। एक आदमी जो बहुत अच्छा बोलता है, उसको नॉलेज भी बहुत है, वो बोलते बोलते खुद ही रुक जाता है, कहता है यार दूसरों को चांस दो, मुंह से नहीं बोलता। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमें समझ में आता है कि ये लड़का जो है देखो बोलता है, बोल सकता है और बोल सकता है, लेकिन खुद ही रुक गया कि मैं दूसरों को चांस, दूसरों को चांस देना चाहिए लेकिन पहले अपना चांस लेना चाहिए, अपना हक भी लेना चाहिए। लीडर अपना हक लेता तभी तो दूसरे को दिला पाता है, जो अपना ही हक नहीं ले सकता तो दूसरे को कैसे हक दिलाएगा? तो अपना हक तो लीजिए लेकिन दूसरे को भी दिलाएगा। इसका यह भी मतलब होता है कि एक आदमी दूसरे को नहीं बोलने दे रहा, कोई किसी को दबा रहा है, तो लीडर कहता है नो नो लेट हिम स्पीक। इसका मतलब क्या है? आप किसी को दबते हुए नहीं देख सकते और किसी को दबाते हुए नहीं देख सकते। तो गिविंग चांस डज नॉट मीन सो बीइंग ओरिजिनल नेचुरल सेल्फ, जो कि आप हैं बहुत अच्छे हैं, अब क्यों अपने ऊपर शक करते? तो आई थिंक Have I answered that? Yes, sir. Yes. Yeah. Sir, GD में कई बार ऐसा होता है कि हम अपना point बोलना चाहते हैं, लेकिन हमसे पहले कोई और वो point बोल देता है, तो हम उस point को repeat करें या फिर ना करें? Okay, okay. Good question. अब देखो ये इस सवाल पूछो, ये सवाल हैं। आप उनसे भागेंगे तो फिर उनका समाधान नहीं मिलेगा। Ask those questions. पहली बात तो आप इसके ऊपर थोड़ा खुद ही सोचें तो आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आप बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पाते। हर एक आदमी के अलग अलग कारण है अपने अपने। किसी की अंग्रेजी कमजोर है, कोई थोड़ा घबराता है, कोई शर्माता है, कोई कहता है यार बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, कोई कहेगा नहीं यार मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं। तो अलग अलग आदमी के अलग अलग कारण। उन कारणों को दूर करने के लिए जीडी नहीं लाइफ में ठीक करना पड़ेगा।
अगर आप लाइफ में घबराते हैं तो वहां भी घबराएंगे। लाइफ में आप जब दोस्तों के बीच में, मम्मी डैडी के साथ या क्लास में, जब वहां पे आप नहीं कर पाते, वही बार बार आपकी आदत, आपका चरित्र बन जाता है, फिर वहां भी आप वही करते। सो द की इज टू प्रैक्टिस एंड क्योर द प्रॉब्लम हियर इन लाइफ। तो लाइफ में जब आप करेंगे तो वहां पे अपने आप हो जाएगा। एसएसबी के ये खेल है, एसएसबी के टेस्ट एक तरह से गेम्स हैं, जिनकी मदद से हम आपकी लाइफ में झांकते हैं। हमें साफ नजर आता है कि लाइफ में क्या करता होगा, और अगर आप लाइफ को चेंज कर दो तो यहां फिर बहुत अच्छा करोगे। तो अगर आपका पॉइंट किसी और ने बोल दिया, अब दूसरा, एक तो हिचकिचाते थे आप, नहीं बोल पाए, मान लिया किसी ने बोल दिया, तो क्या पहलू सिर्फ एक ही, उस पॉइंट को रखने का तरीका सिर्फ एक ही, क्योंकि आप बहुत नैरो सोच रहे हैं। शायद शायद मान लिया, मैंने टॉपिक है हु इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक लड़का आप बोलना चाहते थे चाइना, बिकॉज वो इकोनॉमिक डंपिंग हमारे ऊपर करता है, गुड्स की डंपिंग करता है वगैरह वगैरह, ये पॉइंट किसी और ने बोल दिया। लेकिन चाइना को बड़ी थ्रेट बनने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक कारण नहीं है, पॉलिटिकल भी है, मिलिट्री कारण भी है, सोशल कारण भी है। तो 5 पॉइंट परसेप्शन, थ्रेट, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर्स। तो अगर क्योंकि सिर्फ आप एक ही सोचेंगे तो वह पॉइंट एक ही आएगा, लेकिन आप बड़ा सोचेंगे तो आपके पास और पॉइंट है चाइना के फेवर में बोलने के, लेकिन उस वक्त नहीं आ रहा मान लिया। तो उसने एक पॉइंट दिया, लेकिन एग्जांपल आपके पास दूसरा हो सकता है, यू कैन गिव दैट एग्जांपल। वैसे भी जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, दो बातें करनी है, एक तो लॉजिक और दूसरा एग्जांपल। ग्रुप डिस्कशन में यू वांट टू डिस्कस समथिंग, यू हैव टू गिव लॉजिक एंड यू हैव टू गिव एग्जांपल। भाई चाइना मिलिटरली हमारे ऊपर ये कर रहा, देखिए डोकलाम में क्या किया, देखिए वहां पे क्या किया, देखिए अरुणाचल। ऐसे करके आप जब एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाता है। किसी भी आदमी को समझाना हो, कन्विंस करना हो, तो लॉजिक और एग्जांपल दो चीजों की जरूरत है। एक बच्चे को बोलो बेटा पढ़ोगे लिखोगे ना तो लोग इज्जत करेंगे और अच्छी लाइफ बन जाएगी, उसको समझ में तो आएगी, कन्विंस थोड़ा ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एग्जांपल दोगे, वो भैया देखो सुरेश भैया पड़ोस वाले एनडीए से आए, कितने स्मार्ट लगते, देखेगा ठक कन्विंस हो गया। सिमिलरली इन लाइफ ऑल्सो, व्हेन यू आर कन्विंसिंग समबडी इन द आर्ट, दिस इज द आर्ट ऑफ डिस्कसिंग वेरियस थिंग्स दैट यू हैव लर्नड इन लाइफ। तुमने लॉजिक दिया, फिर थोड़ा सा एग्जांपल। सो हैव आई आंसर्ड योर पॉइंट? यस सर। ओके, अगर है फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। या एनीबॉडी एल्स? सर। या सर, डू वी हैव टू डिफेंड आवर स्टोरी इन पीपीडीटी, लाइक वी हैव टू फाइट दैट नो आवर माय स्टोरी शुड बी द ग्रुप स्टोरी? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ये और किसी का भी सवाल है? एक दो, ओ माई गॉड इतने सारे। अरे यार इसका तो जवाब आपके पास बड़ा सिंपल होना चाहिए था। हमने आपको पहले बोला एक मिनट में अपनी स्टोरी सुनाओ, एंड देयर आफ्टर देयर इज गोइंग टू बी ग्रुप डिस्कशन, एंड एम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन इज टू कम टू अ कॉमन ग्रुप स्टोरी। यही था ना एम बोला था? तो फिर आपकी स्टोरी कैसे कॉमन ग्रुप हो जाएगी? जो कॉमनली सब लोग एक्सेप्ट करेंगे एक थीम को, उसी पर स्टोरी बननी चाहिए। तो कॉमन ग्रुप स्टोरी एक बार आपने डिसाइड कर लिया, दैट आफ्टर लिसनिंग टू सो मेनी पीपल दीज आर द टू कॉमन थीम्स इमर्जिंग, वन इज दिस, लेट अस मेक वन ऑफ देम। एक पे आपने सारे ग्रुप ने एग्री कर लिया, उसके बाद उसी पे बनाइए। वी आर नॉट लुकिंग फॉर बेस्ट स्टोरी, वी आर लुकिंग फॉर कॉमन स्टोरी। जब आपको पता है कि कॉमनली एक्सेप्टेड थीम पे कॉमन स्टोरी बननी है, देन व्हाई द हेल आर यू सेइंग कि मेरी स्टोरी बनाओ? इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। और पहली क्वालिटी लीडर की है अंडरस्टैंडिंग। वी टोल्ड यू ऑल्सो एम ऑफ द डिस्कशन इज टू मेक अ कॉमन ग्रुप स्टोरी, व्हाई डिडंट यू अंडरस्टैंड? इन एसएसबी देयर आर सो मेनी इंस्ट्रक्शंस गिवन टू यू, वी वांट टू नो हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। टेस्ट तो बाद में देखा जाएगा, जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आपको समझ में नहीं आई, भैया माफ करना, आप लीडर नहीं बन सकते। तो एक लीडर को सबसे पहली क्वालिटी है ही अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। जो लोग कह रहे हैं, खास करके दो कह रहे हैं फिर भी आप सही समझ रहे हो। मैं तो कहता हूं
लीडर अंडरस्टैंड इवन द साइलेंस. वहां ने बोला नहीं कुछ लेकिन मां नाराज है, ये समझ में आता है लीडर को, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बिहेवियर से. लेकिन फॉलोअर कहता हमें कैसे पता चलेगा मां नाराज है, हमें तो बताया नहीं. लेकिन लीडर कहता ओह मम्मी आंख से आंख नहीं मिला रही, मम्मी का रिस्पॉन्स थोड़ा सा कोल्ड है, मम्मी जो है जो पहले करती थी उसमें कुछ चेंज है, मम्मी क्या हो गया. एंड ही ट्राइज टू फाइंड अ सॉल्यूशन. दोस्त आपका या कोई और, तो आपको तो बोला गया था वही समझ में नहीं आया. मैं तो आपसे ये भी उम्मीद करता हूं साइलेंस ऑल्सो स्पीक्स, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, है ना. हर चीज को समझता है लीडर, लेकिन हम परफेक्शन नहीं चाह रहे, हम उसकी तरफ आप जा रहे हो वही काफी है हमारे लिए. तो आपको हमने इतनी सारी इंस्ट्रक्शन दी यार, 80% तो समझ लो यार. हमने आपको बहुत बड़ी बात बोली थी, एम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन इज टू कम टू कॉमन ग्रुप स्टोरी, एंड यू सेइंग नो माय स्टोरी माय स्टोरी. In your understanding, okay. Anybody else? Yeah. Sir, कभी कभार ऐसा होता है कोई story ऐसी आती है जिसमें हम blank हो जाते हैं, means कोई ideas नहीं आते. तो at that time sir, what we have to do? देखो, blank होना is the result of lack of connectivity with the environment. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक stimulus है हमारे सामने. हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हम सिर्फ विजिबल को देख रहे हैं, इनविजिबल को नहीं देख रहे. मान लिया रेलवे स्टेशन है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो रेलवे स्टेशन में आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा. लेकिन ये देखो रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर भी है, टीटी भी है, टिकट कलेक्टर जिसको कहते हैं वो भी है, सिक्योरिटी इंचार्ज भी है, वेंडर भी है, रेलवे इंजीनियर भी है, बहुत सारे. Perceive the invisible. अब invisible को देखने की देखो एक कहावत है, leaders can see the invisible, leaders can see beyond, leaders can see what others cannot. ये कहावत मैंने तो नहीं बनाई, आप ही जानते हैं. Blackout उसको होता है जो सिर्फ physical को देखता है, physical तो 10% होता है, invisible 90%. आपको देखना पड़ेगा कि एक कारण है, मैं ये नहीं कह रहा हूं साहब, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो वगैरह वगैरह, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. तो यू मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ परसेप्शन. आर्ट ऑफ परसेप्शन क्या है? व्हाट इज विजिबल एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट विजिबल, प्लीज अंडरस्टैंड देम आल्सो. दैट इज व्हाई पीपल से ना लीडर्स आर विजनरी, दे सी बियॉन्ड. तो अगर एक पिक्चर में कुछ चल रहा है, मान लिया एक पिक्चर है उसमें दो लोग बैठे आपस में बात कर, ब्लैंक हो गया. आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि जो चल रहा होता है पिक्चर के अंदर वो एक्शन हो गया, लेकिन गोल इनविजिबल होता है. आज देखिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये चल रहा है फिजिकल है, लेकिन गोल क्या दिख रहा है? गोल क्या? आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑफ परसेप्शन, अबाउट लीडरशिप, अबाउट सोल्यूशन फाइंडिंग, अबाउट clarifying the doubts. कहां डाउट्स दिख रहा है आपको? वो तो इनविजिबल. एम इज ऑलवेज इनविजिबल. तो अगर आप देख रहे हो ये चल रहा है, अरे ये लड़का ये जो यहां पे काम कर रहा है टेबल पे बैठा हुआ, ये क्या कर रहा होगा, क्या प्लान कर रहा है, क्या गोल है इसका? वो कहेगा एनडीए में बजाना चाहता है, कोई कहेगा ये ऑफिसर है ये करप्शन दूर करना चाहता है, कोई कहेगा ये ऑफिसर है ये एक प्रोजेक्ट बना रहा है अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट, कोई कहेगा एक इंजीनियर है वो ये काम कर रहा है. ब्लैक आउट इज द रिजल्ट ऑफ सीइंग ओनली द विजिबल, सी द इनविजिबल. तो इसके लिए जो कनेक्टिविटी एक्सरसाइज है वो आप करेंगे, यू विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ सीइंग द इनविजिबल. जहां भी आप जाते हो, कुछ भी आप देखते हो, आप जा रहे हो सामने से एक डॉग आ रहा है, नाउ समबडी सेड डॉग देखता है बस यार डॉग आ रहा है. देयर आर लॉट ऑफ इनविजिबल सब्जेक्ट्स कमिंग टू अ लीडर्स माइंड. He's talking about dog menace also. He's talking cruelty to animals. He's also talking about how to prevent this problem which is happening on the roads. He's also talking about empathy towards animals and people's behavior towards the animals. Kindness, loyalty,
so many things come to his mind. Depending on how much time he has, he's got. Connect with everything. You see a flyover, then you think of so many things. You talk about development, you talk about FDI, you talk about rich poor gap, you talk about accidents, you talk about transport infrastructure, you talk of equitable development in the country. You talk about so many things depending on where you come from. But visible ko dekhke, invisible. मैंने आपको इतने सारे सब्जेक्ट ये नहीं आपके पास थोड़ा टाइम है तो थोड़े सब्जेक्ट आएंगे ज्यादा टाइम है तो ज्यादा सब्जेक्ट आएंगे बट दिस इज अ ह्यूमन नेचर वी कनेक्ट द विजिबल विद द इनविजिबल सो गेट इनटू दिस एक्सरसाइज यू विल नॉट गो बैक या एनीबॉडी एल्स सो व्हाइल राइटिंग द एसटी वी यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स फॉर आवरसेल्व्स like honest or hardworking or these things. So should we write instances of such behavior? Would that enhance our SD or should we? Yeah. Okay. There's nothing wrong. But एक आदमी बोलता है, मैंने देखा है ज़्यादा SD में लिखते हैं क्या? My parents think I'm very hardworking, very intelligent, very obedient and cooperative. फिर what do your teachers think? फिर वही. What do your friends think? फिर वही. पहली बात तो ये कि आप बहुत फेक लगते हैं रटे हुए लगते हैं हर जगह पे आप इंटेलिजेंट हार्डवर्किंग कोऑपरेटिव ऑनेस्ट एक बात दूसरी आप बड़े मुंह में बैठे हैं यार हैव मॉडेस्टी लीडर्स हैव मॉडेस्टी दे डोंट अपनी बड़ाई नहीं करते तीसरी बात एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स व्हाई यू वांट टू टेल पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में कितने इंटेलिजेंट हैं आप कितने हार्डवर्किंग हैं कितने ऑनेस्ट हैं आप तो जनरली आप बताएंगे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा माय पेरेंट्स आर इलिटरेट दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सो दे टेल मी वर्क हार्ड यू कैन डू इट एंड दे एनकरेज मी टू स्टडी या किसी ने बोला कि फौज में है मान लिया माय सीनियर्स हैव एनकरेज्ड मी टू अप्लाई फॉर ACC टू गेट बिकम ऑफिसर इसका क्या मतलब हुआ दे थिंक दैट यू आर इंटेलिजेंट दे थिंक यू आर हार्ड वर्किंग दे थिंक दैट यू आर ऑनेस्ट बट यू से नो माय सीनियर्स थिंक दैट इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट तो आप अपनी बड़ाई तो कर ही रहे विदाउट सब्सटेंस लेकिन अगर आपने कहा कि उन्होंने मुझे बोला कि आप फौज ऑफिसर बनने के लिए ट्राई करो इसका मतलब ये है आपके टीचर्स ने कुछ ऐसा बोला मेरे टीचर्स ने मुझे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और बोला आप ये भी काम कर लो हालांकि उससे मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा असर पड़ता है बट मुझे मजा भी आता है चैलेंज लेने के लिए इसका क्या मतलब हुआ ये सच्चाई है अगर तो लिखो अब आपने मैं ये नहीं कह रहा हूं सच्चाई है नहीं और आप लिख दोगे तो गड़बड़ है तो इसका मतलब हुआ आपके टीचर्स क्या समझते हैं यू आर इंटेलिजेंट यू आर हार्ड वर्किंग यू आर ऑनेस्ट यू मस्ट बी ट्रूथफुल दैट्स व्हाई दे गिव यू एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो भी सच्चाई है वो एग्जाम्पल के साथ में देंगे आपको भी कोई बंदा मिले और बोले गुरु मैं बड़ा हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट बंदा हूं लगे यार ये बड़ा शोशा आदमी है डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लाइक दैट नो ना लेकिन एक लिटिल मोटा कहता है वो मेरे को ना वैसे करके थोड़ा एक्स्ट्रा काम मिल गया यू नो यार इसको एक्स्ट्रा काम मिला इसका मतलब ये काम अच्छा करता है वैसे कहावत है ना यू डू वेल यू गेट एक्स्ट्रा वर्क है ना यू गेट मोर So why you have to tell that? Huh? Yeah, anybody else? Yeah. So with time we develop some habit in ourselves, like we develop our character that is considered an example of laziness. So how do we introspect these things in ourselves that things are not going well with us personally? But you are saying that you have accepted that you are lazy. Mm-hmm. Okay. How to improve upon it? That is the question. And make a plan. By two things. One is by quantum and one is by time. Make a target, make a deadline. कि मुझे इतना काम करना है, for example. आज दिन में मुझे इतने घंटे पढ़ना है. तो quantum हो गया. ये काम मुझे इतने तारीख तक, इतने बजे तक करना है. तो by time हो गया. Deadline बनाओ. तो फिर action will be accordingly designed. Routine बनाओ. Understand the importance of time. Time is the most precious daulat of
इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत टाइम है, रिसोर्स की मान। वैसे सबसे बड़ी दौलत जो है, अगर चरित्र में देखी जाए, अपनी पर्सनैलिटी में देखे तो चरित्र है सबसे बड़ी दौलत, और उसके बाहर देखा जाए तो रिसोर्सेज में टाइम है। आप समझते नहीं टाइम की वैल्यू, आप लेजी है, आपका चरित्र नहीं है, आप लेजी। तो अंडरस्टैंडिंग और कैरेक्टर दोनों को ठीक करो। एक और तरीका, रोल प्ले करो। अच्छे बेटे बनो, अच्छे भाई बनो, अच्छे सिटीजन बनो, अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे सीनियर, अच्छे जूनियर, अच्छे स्टूडेंट और अच्छे, तो अपने आप टाइम भी कब आ जाएगा, सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। अच्छे का क्या मतलब, और अच्छे कब तक, आखिरी दम तक। लेजीनेस धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अच्छे स्टूडेंट, 9 बजे पहुंचना है, 9:15 बजे पहुंचता हूं, तो क्वांटम भी हो गया, मुझे 9 बजे तक पहुंचना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है। तो चैलेंजेस क्या है, ये है, ये है, ये है। किसी का ब्रेकफास्ट नहीं बनता, किसी का दूर है, धुंध पड़ गई, ये लेजीनेस, बहुत सारे। रात को डिसाइड करो, इसके लिए मैं ये नया करूंगा। एक आदमी का अलार्म नहीं बजता था, बहुत पास रखो तो दूर रखना शुरू कर दिया, या कुछ और तरीका। अलार्म बजता था तो उसको बंद कर देता, सो जाता था। मैं कहा दूर रखो, पिछली क्लास में कोई बता रहा, बहुत दूर रखा ताकि वो बंद करने का, उठना पड़ेगा ही पड़ेगा, चलो अब चले। लेकिन उससे भी ज्यादा ठान लीजिए कि मैंने करना है ये काम 9 बजे, तो रोल प्ले बेटर हो गया, लेजीनेस दूर होगी। अब और क्या अच्छा करना है, अब मैं 9 बजे तो पहुंचना शुरू कर दिया, अब मैं अपने नोट्स देखूंगा, उससे पहले ये काम करूंगा, जो मैं पहले नहीं करता था उसको मैं और अच्छा कर दूंगा। यार एक ये रोल प्ले बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसको करो, अपने आप लेजीनेस खत्म होती चली जाएगी। ओके, या एनीबॉडी एल्स? सर, लाइक इन पीपीडीटी देयर इज मोर देन 3 मेन कैरेक्टर, सो हाउ टू डिस्क्राइब देम, लाइक अलग मेल 31 पॉजिटिव, मेल 32 पॉजिटिव, सो देखो देयर इज नॉट कॉमन एज डिफरेंस इन देम, वी कैन चूज द एज डिफरेंस। या अगर देखो, एक तो तरीका ये है, आई हैव सीन वन कैरेक्टर मेल 20 पॉजिटिव, अगर दो हैं, आई हैव सीन, अगर मेल और फीमेल अलग है तो मेल 20 पॉजिटिव, फीमेल 30 पॉजिटिव। कितना क्रिस्प और छोटा कर सकते हो उतना करना है, क्यों, टाइम कम है। अच्छा, लेकिन तीन है जैसे आप कह रहे हो और तीनों मेल है, तो आई हैव सीन 3 कैरेक्टर्स मेल्स 30 20 25 रिस्पेक्टिवली, ये भी सही तरीका। या यू वॉन्ट टू से ऑल आर बिटवीन दिस एंड दिस एज, तो जब आप 30 बोलते हो तो उसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 प्लस माइनस, अगर आप उसको क्लब करना चाहते हो तो नथिंग रॉन्ग इन दैट आल्सो, सो इफ यू से दे आर ऑल बिटवीन 28-25 इट्स फाइन, बट अगर ज्यादा है 10-15 साल का फर्क है तो देन यू वुड लाइक टू डिस्टिंग्विश। सो एम क्या है, कम टाइम में हमारे पास, हम लंबे लंबे, इन द पिक्चर दैट वाज शोन टू मी आई हैव सीन 3 कैरेक्टर्स, वन इज मेल, हिज एज इज 20 इयर्स एंड हिज मूड इज पॉजिटिव, कितना लंबा बोल दिया, टाइम थोड़ा सा, तो हमें यू हैव टू सेव टाइम, बिकॉज एक मिनट में आपको ये सब बोलना है, स्टोरी भी बोलनी है, तो क्या बोलना चाहिए आपको, आई हैव सीन 2 कैरेक्टर्स मेल 20 पॉजिटिव, मेल 25 या फीमेल 25 न्यूट्रल, एक्शन, पूरी कहानी बोलने की जरूरत नहीं। बताओगे एक एनकाउंटर चल रहा था, बंदे ने पूछा हमें बता कितना एमिनेशन बचा है, और पूरी लंबी कहानी सुनाएगा, भाई साहब हमारे पास जो एमिनेशन बचा है वो इस प्रकार है, ये थोड़ी बताने की जरूरत है, अब तो यार 2 सेकंड भी टाइम नहीं आपको, तो एनकाउंटर चल रहा है, फट से बोलेगा 50-100 बहुत है, कम है, समथिंग है। सेव टाइम, टाइम की नजाकत को समझो, अकॉर्डिंगली डू द नीडफुल, सो बी क्रिस्प क्लियर, सेव लीडर टाइम बचाता है, फॉलोअर बहुत वेस्ट करता है। इसको आप अपनी लाइफ में भी देखो, आप देखो अपने आप, झांको अंदर, क्या मैं टाइम को किल करता हूं, टाइम का मर्डर करता हूं, या टाइम को प्लान करके उसका अच्छा इस्तेमाल करता हूं। अगर करते हो तो लीडर बनने की राह पे चल पड़े। हाउ टू इंप्रूव पावर ऑफ एक्सप्रेशन? पावर ऑफ एक्सप्रेशन, देखो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, हम अंग्रेजी को समझ लेते, अंग्रेजी है
तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, ये एकदम गलत बात है। अंग्रेजी तो एक लैंग्वेज है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो आप लैंग्वेज से भी करते हो, बॉडी लैंग्वेज से भी करते हो, इमोशन से करते हो, लिखित में करते हो। I want to make you understand my feelings, my thoughts. आप कितना समझते हो? आपको तो अंग्रेजी आती नहीं, मैं आपसे अंग्रेजी बोलूं तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन खराब है। जहां अंग्रेजी की जरूरत नहीं थी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से काम चल जाता था, तो वो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप अंग्रेजी दिखाते रहो। आपने आपने अंग्रेजी तो ठीक बोल दी लेकिन उसमें इमोशन गायब है, तो भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग लिखते हो ना इमोजीज, क्यों लिखते हो? क्योंकि इमोशन डालना होता, नहीं तो गलत समझ लेगा, कहेगा कोई गाली दे रहा है। लेकिन वो गाली भी देता है तो उसमें थोड़ा सा इमोजी डाल देता, समझ जाता प्यार से दे रहा। इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पावर। आप जब बात करते हो अगर उसमें संजीदगी है, उसमें सीरियसनेस है, तो आपका लहजा कुछ और होता है। और अगर उसमें जोश है तो आपकी आवाज का जो इमोशन है वो अलग होगा। वीरता शौर्य की बात है तो कुछ और इमोशन होगा आपकी भाषा में। तो दिल और दिमाग दोनों से मिलकर के आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करो, वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। इंग्लिश बोलना नहीं, आपने देखा बहुत सारे लोग इंग्लिश अच्छी नहीं होती है लेकिन सिलेक्ट हो जाते हैं। और एक और बात, हम ये भी देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप एक अच्छे बच्चे हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, चरित्र अच्छा है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आप इसको ठीक कर लो। हम लोग आपको सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिसर बन गए। हम देखते हैं आपके अंदर कमियां हैं और हम देखते हैं आने वाले 2-4 सालों में, अगर 3 साल एनडीए और 1 साल IMA या AFA में है तो वहां पे ये ठीक कर लेगा इसको, या ACC में, वहां पे ये ठीक कर लेगा इसको। तो मुझे आज ठीक करता हुआ नजर आएगा तभी तो बोलूंगा आगे ठीक कर ले। एक आदमी है वो आज ठीक करता हुआ नजर ही नहीं आता मुझे, वो वही है, स्टेटस को इस्ट है, कह रहा ठीक है जो चल रहा है वो अच्छा, और एक हर चीज को इंप्रूव करता है। तो मैं क्या बोलूंगा, आने वाले 3-4 सालों में ये अच्छा अफसर बन जाएगा, कि वहां पे पहुंचते पहुंचते कि अपने आप को बहुत सुधार कर चुका होगा, ही विल बी शाइनिंग। ओके, सो डोंट गेट टू वरीड अगर आपकी अंग्रेजी, वैसे भी अंग्रेजी जो है फॉरेन लैंग्वेज, हिंदी मां है, अंग्रेजी गर्लफ्रेंड है। हिंदी आपकी सच्चाई है, अंग्रेजी आपकी जरूरत है, वाइफ है आपकी, बैलेंस रखिए दोनों। आप नहीं कह सकते नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मां ही बोलेगी यार कर ले बेटे, वंश कैसे चलेगा, बैलेंस कैसे आएगा तेरी लाइफ। आज जरूरत है अंग्रेजी की, तेरे को समझ नहीं आई सीख। आप ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी को भुला दूंगा, गर्व से बोलो हिंदी आपकी भाषा मातृभाषा। लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं अंग्रेजी में तो हिंदी की बेइज्जती करते हैं, नहीं अंग्रेजी का ही जो शब्द जो अटक गया हूं वही बोलूंगा, फिर उसको ढूंढता रहता है, फिर गैप हो जाता है। आप फंस जाते हो, आपको पूरा अधिकार है, आपको गर्व है, आप जब अंग्रेजी बोल रहे फंस जाते हो तो फट से हिंदी का वो शब्द डाल के उसकी जगह पे फिर अंग्रेजी में शुरू हो जाओ। कितनी बेइज्जती करते हो अपनी मां की, देखो कीप अ बैलेंस। क्या आप ये नहीं कह सकते लेकिन मैं तो भाई हिंदी से ही जुड़ूंगा, अंग्रेजी सीखूंगा नहीं, फॉरेन लैंग्वेज है, ये भी गलत। अब नहीं, अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हिंदी तो छोड़ो यार, ये भी गलत। हिंदी पे भी गर्व करो, और अगर हिंदी पे आप गर्व नहीं करते ना, एक बात बोल दूंगा मैं, आई हैव अ लॉयल्टी इशू विद यू, हैव अ लॉयल्टी प्रॉब्लम। जो अपनी मां का नहीं हो किसका होगा, हिंदी है गर्व करिए। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपने बोला, मैंने कोशिश की आपको समझाने की पावर ऑफ एक्सप्रेशन जितना हो सका, क्योंकि और भी सवाल लेने हैं इसलिए ज्यादा नहीं डिटेल में जा सकते। या सो व्हाइल गिविंग लेक्चर कैन यू यूज योर बॉडी लैंग्वेज? ओह वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत सारे लोगों के सर हाथ नहीं हिलाना,
अच्छा भाई इंटरव्यू में आपसे तो आपका हाथ हिलाता रहता है, साइक है वो भी हाथ हिलाता है, देखो मैं भी हाथ हिला, बॉडी लैंग्वेज से पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ योर वर्ड्स एंड ऑल्सो योर बॉडी लैंग्वेज। लेकिन बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपके शब्दों को सहारा दे, तो शब्दों को पूर्ण रूप दे। जैसे मैंने कहा कि देश एक होगा तो मजबूत होगा, समझ में आया? मजबूत एक, लेकिन मैं कहूं देश एक होगा तो मजबूत होगा, कैसे भाई? आपने तो तोड़ दिया। दुनिया आपस में नजदीक आ गई मोबाइल के कारण, नजदीक आ गई, समझ में आ रहा? नजदीक आ गई, नजदीक आ गई नहीं है, हर बात पे ऐसे ऐसे करते रहेंगे। जैसे हमारे एक लेडी करते थे, आजकल लगता है उनको ये पता चल गया, लेक्चर अपन आजकल बंद कर दिया, करते थे ना राजनाथ सिंह जी, हर बात पे ऐसे ऐसे करते थे, आजकल बंद कर दिया, किसी ने बताया होगा, अच्छे नेता है, नथिंग अगेंस्ट बट एक बात बता, तो बट हर बात पे ऐसे हाथ हिलाते रहना जिसका कोई आपके बातचीत से कोई तालमेल ना हो। एक हमारे नेता थे विद ड्यू रिस्पेक्ट मनमोहन सिंह जी, वो 10 साल क्या बोल गए किसी को समझ में नहीं आया, अब मैं इमोशन की बात कर रहा था, तो वो कुछ भी बोलते थे वो उसमें इमोशन नहीं होता था, वीरता की बात तो भी वही भाषा वही लहजा, दुख की बात तो भी वही लहजा, खुशी की बात तो भी वही लहजा, तो लोगों को समझ नहीं आता। यू आर टॉकिंग लाइक सो पुट इमोशन, जब हम इमोशन की बात कर रहे थे आपकी लैंग्वेज इमोशन होना चाहिए। तो शब्दों का मैं आपके तक पहुंचता हूं, मैं आपके पास पहुंचने के लिए मुझे मुख से बोलना पड़ेगा और उसमें इमोशन डालना पड़ेगा, तो मेरे हाथों का इस्तेमाल सही हो रहा है ना आप तक पहुंचने में, समझाने में। तो डोंट वरी, अब क्या करते हैं कुछ लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं, अगर हाथ जरा नहीं हिलाने तो वो इंटरव्यू में बैठ जाता है, और किसी ने उसको बता दिया हाथ पकड़ के बैठ जाना, तेरा हाथ बड़ा हिलता है, तो उसने हाथ पकड़ के बैठ गया, अब सारा ध्यान इधर है, मेरा हाथ तो नहीं हिल रहा, तो फिर वो हाथ की तरफ ज्यादा ध्यान देता, सवाल समझ में नहीं आता इंटरव्यू में क्या चल रहा है। अरे फ्रीली रहो यार, और वैसे भी लीडर जो है वो बहता पानी होता है, वो डरता नहीं किसी से, कोई लिमिट करता ही नहीं अपने आप को, व्हाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ? आप लिमिट कर रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो, बंदिश डाल रहे हो। तो आप हाँ ये ध्यान रखिए कि मेरा हाथ बिना बात के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उस आदमी का जो ध्यान है वो मेरे बिना कंट्रोल किए हुए हाथ पे चल रहा है, तो मेरी बातें शायद उसको समझने में कठिनाई हो सकती है। यूज द हैंड योर बॉडी मूवमेंट इन कंजंक्शन विद व्हाट यू आर सेइंग, इट विल हेल्प द लिसनर टू अंडरस्टैंड यू बेटर। गुड क्वेश्चन। इसी के साथ कुछ लोग कहते हैं आंख में आंख डाल के रखना चाहिए कि नहीं, वो भी बता दो। yes, आंख में आंख डाल के रखिए, क्यों भाई रोमांटिक फिल्म चल रही है? आंख में आंख डाल के रखिए, अब वो सब कुछ भूल गया, कह रहा आंख में आंख डाल के रखिए। आंख में आंख डालने का मतलब क्या है? मैं आपके आप ही तो आंख से आंख डाल रहा हूं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? मैं क्यों आपसे आंख, आप किसी को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से फीडबैक चाहता हूं, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, दैट इज ऑल। आपने उसको कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ रखा है, अरे मत जोड़िए यार, फिर फेक हो जाओगे आप। अरे यार आंख में आंख डाल के रखो, इससे कॉन्फिडेंस दिखता है। कॉन्फिडेंस आंख में आंख डालने से नहीं दिखता, कॉन्फिडेंस दिखता है आप कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, कितने अपने क्रिएटिव आइडियाज में चीजों को करने के लिए अपना कितना विश्वास रखते हो, आप रिस्क लेते हो नया आइडिया सोचने के लिए, कोई भी काम करते हो उसमें कुछ चैलेंजेस आती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपने कुछ नया करते हो, वो है आपसे पूछूंगा ना, चल बताओ क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ, आपका आइडिया है तो वही कॉन्फिडेंस है मेरे लिए, वो होगा तो आंखें अपने आप किसी की आंखों में चली जाएंगी। आंखों डाल के देखने का मतलब ये है कि जो मैं बोल रहा हूं आपके, मैं देखना चाहता हूं फीडबैक, दैट इज ऑल। प्लस ऑफ कोर्स व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई एम क्लियर, मैं आंखें चुराऊंगा नहीं, मैं सच्चा हूं तो आंखें चुराऊंगा नहीं, मैं फेक हूं तो फिर आंखें चुराऊंगा, मैं इंप्रेस करना चाहता हूं तो भी आंखें शायद दाने बाएं करूंगा, मैं इंप्रेस करना नहीं चाहता, मैं जो हूं मैं ये रहा आपके सामने, आपको सेलेक्ट करना है करो, नहीं करना मत करो, डर खत्म है ना।
किसी ने बोला कीप अ स्माइलिंग फेस। अब भाई क्यों भाई, लीडर को क्यों, कौन बताएगा कीप अ स्माइलिंग फेस, क्यों बताएगा, कौन डिसाइड करेगा व्हेन आई हैव टू स्माइल, लीडर हिमसेल्फ, पर्सन हिमसेल्फ। बात सीरियस हो रही है इंटरव्यू में और आपको सडनली याद आ गई किसी की टिप, क्या कर, कीप अ स्माइलिंग फेस, सडनली स्माइल कर दिया, तो इंटरव्यू में ऑप्शन लेगा बेवकूफ आदमी, ये सीरियस बात पे साला स्माइल करता, क्या चीज है ये, व्हाई यू स्माइलिंग इन दिस सेल्फी। आप डिसाइड करें, आपकी पर्सनैलिटी आपकी अलग है, यूनिक है, आप सीरियस टाइप में सीरियस डिस्पोजिशन के मालिक हैं, वो भी अच्छी बात है। आपने सारे ऑप्शन एक जैसे देखे हैं क्या, सब स्माइल करते हुए नजर आते हैं क्या, एक आदमी स्माइल बड़ा करता है लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ठुस, एक आदमी स्माइल नहीं करता, प्रॉब्लम आती है कहता छोड़ूंगा नहीं, यह है असली स्माइल। द रियल स्माइल ऑफ लाइफ इज टू कीप फाइटिंग इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस, दैट इज द रियल स्माइल। स्माइल करो स्माइल करो, लेकिन आपको आपको लगता है कि इस बात पे हंसना चाहिए या ये थोड़ी अम्यूजमेंट वाली बात है और आपको लगता है जो आप नेचर में है गुड करिए ना स्माइल। ओके या वार्ड में हम लोग यार एक सेंटेंस के साथ और दो तीन सेंटेंस जोड़ते हैं तो कैसे जोड़े, फिफ्थ सेंटेंस वर्ड में सेंटेंस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट उस पर तो हम पूरी क्लास ले चुके हैं कि WAT क्या है, वर्ड कोई वर्ड आता तो उससे जो हमें दिमाग में ब्लैक से हमें ब्यूटी याद आती है तो मैं ब्लैक पे लिखूंगा द रियल ब्यूटी इज इनर ब्यूटी, तो मैंने ब्लैक तो लिखा लेकिन ब्लैक से मुझे ब्यूटी याद आया, ब्लैक से मुझे रेसिज्म याद आया तो मैंने कहा रेसिज्म इज कर्स टू द सोसाइटी और रेसिज्म कैन बी टैकल्ड बाय गुड एजुकेशन एंड मॉरल एजुकेशन, लेकिन मैं ब्लैक से बोलूंगा डीमोनेटाइजेशन वॉज अ गुड स्टेप बट कुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड बेटर, ब्लैक मनी इज कर्स टू द सोसाइटी और इकोनॉमी, ब्लैक ब्लैक पे लिखो या ब्लैक से उठने वाले विचारों पे, सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक्स पे लिखो, थॉट्स पे लिखो, पता नहीं। अब देखो आप जो एक लीडर खुला सोचता है और फॉलोअर नैरो सोचता है, कहता ब्लैक पे लिखना, फिर छूट जाता है अगला वाला, है ना? यस। सो व्हाट वी हैव टू राइट इन द ब्लैंक स्टोरी शुड इट बी नेसेसरीली कंसर्न्ड टू आवर ओन सेल्फ और इट कैन बी एनीथिंग। देखो आपके पास कोई गुंजाइश नहीं, आपका वश नहीं कि आप अपने एक्सपीरियंस से अलावा कुछ और लिख सको, आप कुछ भी करो। पहली बार अब आपने 11 स्टोरी लिखी और एक ब्लैंक स्टोरी आ गई, मैं आपको बोलूंगा उसी वक्त सोचिए, वैसे भी कोई पढ़ता नहीं उसको, अगर आपकी 11 अच्छी हैं तो जरूर पढ़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग घर से रट के लेके जाते हैं मैंने ब्लैंक में ये लिखना, मैं कहूंगा नहीं रटिए। एक लड़के ने ब्लैंक स्टोरी लिखी थी, सिलेक्टेड लड़का है, अच्छा लड़का, उसकी 11 स्टोरी बहुत अच्छी थी, उसने 12वीं भी पढ़ी, उसने क्या लिखा था, उसको बैठे बैठे एग्जामिनेशन हॉल में सामने पिक्चर आती थी 11, वो बंद हो गई, ब्लैंक हो गया, तो उसको क्या पिक्चर दिखी, उसको एग्जामिनेशन हॉल की पिक्चर दिखी और वहां पे SSB में पियन था जो चाय वाय दे रहा था और उसने उसके ऊपर स्टोरी लिख दी कि ही वॉज अ पियन इन SSB, ही हिज ड्रीम वॉज टू सेंड हिज सन टू NDA बिकॉज He was inspired by, उसने उसके लिए ये किया ये किया ये किया ये किया, वेरी गुड स्टोरी, उसी वक्त आई थी उसको, 11 अच्छी थी तो पढ़ ली उसने, अब 11 में तो आपने कुछ किया नहीं तो 12वीं क्यों पढ़ेगा, वो तो रटी गया वैसे भी। एक और लड़के ने ऑन द स्पॉट उसने देखा ये खत्म हो गई, अब तो पिक्चर यही नजर आ रही है, तो उसने अपनी स्टोरी लिख दी कि वो पहले क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ था और उसने इस बार क्या क्या किया और सिलेक्ट हो गया। So be natural. Why do you want to be a fake? इस जिंदगी में फेक होके करेंगे क्या? देश को धोखा देना चाहते हैं क्या? कि हम हैं नहीं लेकिन हम दिखा रहे हैं। दिखाने की कोशिश वो करता है जो होता नहीं, जो सचमुच होता है उसको दिखाने की जरूरत है। तो हम यही कह रहे हैं, आप बनिए, तरीका भी बता रहे हैं और आपको पता चलेगा अरे हम तो अच्छे हैं काफी पहले, हमें तो बस थोड़ा थोड़ा ही करना है,
करते चले जाना है, इंप्रूव करते चले जाना है। मेरा ग्राफ ऐसा रहेगा आखिरी सांस तक, सीखता रहूंगा मैं हर हर वक्त। हमें पता चल जाएगा ये आदमी आखिरी सांस तक सीखने वाला है, आपके व्यवहार से पता चल जाएगा आखिरी सांस तक सीखो बेटा। दैट इज द साइन ऑफ अ लीडर, वो रुकता नहीं है। सर मेरे कुछ दोस्त ने बताया रिज्यूम गए थे कि हमारा कुछ बहुत अच्छा गया, साइक में सब कर दिया, जीडीओ बहुत अच्छा गया, लेकिन स्टिल कॉन्फ्रेंस आउट। और जो उनके साथ जो लड़का रेकमेंड हुआ है वो वापस आके बताते कि यार मेरे को साइक मैंने खाली 40 ही किए, 50 किए, जीडीओ में भी कहते उसकी बहुत मुश्किल हो रही थी, अपना कमांड टास्क तक पूरा नहीं कर पाया, बट स्टिल वो रेकमेंड हो गया। तो ऐसे ओके, तो ये सवाल है कि उनका तो लगा उन्होंने अच्छा किया, लेकिन दूसरा जो कह रहा था उसने अच्छा नहीं किया। पहले तो मैं इसी में बता देता हूं, जो कह रहा था मेरा अच्छा नहीं हुआ वो क्या करना चाहता है? और अच्छा करना चाहता है। अभी तो बोला था जवाब। इनकी तो गाड़ी रुकी हुई है, कह रहा है मैं बहुत अच्छा किया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसकी गहराई में जवाब देखो, पहली बात। दूसरा, उसने 40 ही किए थे, आपने 60 किए, 40 उसने अच्छे किए, तो मैं आपने 60 किसी काम के नहीं किए, क्या फायदा? मैंने आपको काम दिया, मैंने कहा जाओ बेटा 5 काम है, सवेरे 9 बजे जाओ, यू आर अ कैप्टन, आई एम योर सीईओ, गो डू दिस 5 जॉब। आप दोनों कैप्टन को दे दिया, एक आ गया उसने कहा सर मैंने कर दिए, सारा कचरा कर, पांचों के पांचों कर दिए, लेकिन कचरा करके आ गया आधे अधूरे। और एक दूसरा लड़का आता है वो भी कैप्टन है, कहता सर 3 कर दिए, सॉलिड करें, दो सर कल कर दूंगा सर, इसमें थोड़ी कंप्लीट नहीं हुआ। वेल डन, आप 60 में से 40 आपने बहुत बढ़िया किए, और आपने 60 कर दिया किसी काम के लिए। ओके, और वो खुद ही कह रहा था यार मेरा और अच्छा होना, इसी में काफी है। दूसरी बात, आपको लगता है नहीं यार इसका तो बहुत सचमुच खराब हुआ, तो 3 लोग हैं, साइक, जीटीओ, आई। जीटीओ ने मान लिया उसने इतना अच्छा नहीं कर पाया, हो सकता उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता कुछ और कारण हो सकते, लेकिन उसने बाकी दोनों में तो ठीक किया। तो कॉन्फ्रेंस में साइक और इंटरव्यू आपसे बोलेंगे यार लड़का अच्छा है, हमें तो अच्छा लगा इसने, ये यहाँ यहाँ ठीक है। जीटीओ बोलेगा हाँ यार मुझे भी लगा शायद मैंने वो इतना नहीं कर पाया, इसलिए मैंने बॉर्डर लाइन छोड़ दिया, वो दोनों उसको मना लेगा, पास हो जाएगा। सो आउट ऑफ 3 इवन इफ 2 पास एंड 1 इज केप्ट बॉर्डर लाइन, ही विल पास। गुड क्वेश्चन, ये बड़े अच्छे सवाल है। ये तो आप रोकते हो, तो सवाल रोको मत यार, लीडर कभी रोकता नहीं अपने आप, फ्री होता, फ्री फ्लोइंग होता, बहता पानी बनो, स्वच्छ निर्मल होता है, रुका हुआ पानी बनो, मतलब रुका हुआ पानी बनना क्यों है, प्रवाह में रहो ना। जो प्रवाह में रहते हैं वो अलग नजर आते हैं स्थिति में, और जो रुके रुके पड़े होते हैं, कैलकुलेटिव, मैनिपुलेटिव, सोच सोच के। आप भी देखो, आप किसी से मिलते हो तो एक बड़ा सोच समझ के मैनिपुलेट करके ऐसे सोच सोच के, और एक फ्री बात करता है, आपको ज्यादा पसंद होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। सर हर 15 सेकंड के बाद पिक्चर चेंज होती रहती है, कुछ ऐसा होता है कि वर्ड आ जाता है पर वो हिंदी में आता है, उसका इंग्लिश में नहीं आता, तो क्या हम हिंदी में भी उसको ज्यादा, हाँ ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, एक आधा कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको सचमुच वो भी थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं और आप कभी कभी हिंदी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, नॉट एज ए रूल। आप फंस जाते हो तो वहाँ हिंदी भी लिख सकते हो, ये एसएसबी में बताया भी जाता है, शुरू में बता दिया जाता है, और मैं तो कहता हूँ ना भी बताया हो आपको पूरा हक है, ना भी बताया हो तो भी आप गर्व से हिंदी में, प्रेफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश, या फंस जाते हो वहाँ हिंदी। Sir, in PPDT, we have seen as soon as the last candidate speaks his story, the other 2 or 3 candidates immediately jump into the conversation and then they try to initiate. So what I think is, I pause for 2 seconds and then look, if no one is speaking, then I speak. Otherwise, it creates a chaos because everyone is shouting because they try to lower the voice of the other person down and try to shout. So is that the correct strategy? If I'm putting up a right point, then I can put it later on also. देखो, अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट अच्छा है, आपकी नरेशन अच्छी है, तो हाफ दी बैटल इज वन। डिस्कशन होने के चांस कम होते हैं, डिस्कशन बहुत सारे केसेस में होता ही नहीं, होता है तो थोड़ी देर के लिए होता, बट यू शुड बी रेडी फॉर द डिस्कशन।
अब डिस्कशन का एम बड़ा क्लियर है कि यू हैव टू कम टू अ कॉमन ग्रुप स्टोरी. सो सब एक साथ बोल पढ़ेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आता, एसएसएल को भी समझ में नहीं आता हो क्या है. बट जो भी आवाज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, तो लुक फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू एंटर. बट इफ यू आर द फर्स्ट वन, इफ यू कैन स्पीक गुड. और अगर उसी को आप मॉडरेट करो, देखो आप उनको बताइए कि टाइम निकला जा रहा है, लेट्स डिसाइड एंड कीप मूविंग द स्टोरी फॉरवर्ड. मान लिया आपने डिसाइड कर लिया कि ये गोल होना चाहिए, फिर बताओ उसको कैसे पूरा करेंगे. और सबके आइडियाज जो अच्छे दे रहे हैं उनको साथ में लो, एक थीम पे बनाओ, पीछे मत लेके जाओ स्टोरी को. नहीं 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 हम ये नहीं करेंगे दूसरा. अब ग्रुप ने डिसाइड कर लिया एक बार कि भैया यही काम करना है. मान लिया आपने स्कूल के बच्चों का रिजल्ट अच्छा लाना है, ये आपने एक बार डिसाइड कर लिया प्रिंसिपल के तौर पे, तो अब बोला यार अब इस पर सबने डिसाइड कर लिया, अब इसको किसी और तरफ मत लेके जाओ, इसी को बताओ कैसे आगे बढ़ाना है. तो दैट शुड बी द जनरल अप्रोच. सर सेम क्वेश्चन लाइक लास्ट वन जब बोल के रुक जाता है, क्या वो ही स्टार्ट कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है, उसको पता है, उसी को उसको करना चाहिए. अगर वो उसके पास तो एक एडवांटेज भी है, हालांकि डिसएडवांटेज है कैसे इधर से कट करके कैसे स्टार्ट करे, बट ही हैज एडवांटेज आल्सो, है ना, कर सकता है, करना चाहिए. और फिर सर जैसे कॉमन स्टोरी निकालनी होती है ग्रुप डिस्कशन में, तो उस टाइम कोई ऐसी थीम सेलेक्ट हो जाए जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है और तो हम उसमें पॉइंट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर एट द टाइम सर हमें कैसे हैंडल करनी चाहिए सिचुएशन? देखो आप मुझे ये बताओ कि आपने मान लिया गोल चुन लिया है, तो किसी भी स्टोरी, अब ये बेसिक स्टोरी का ढांचा आप समझो, लाइफ का ढांचा समझो. आप कोई काम करना चाहते हो, उसको करने के लिए कुछ चैलेंजेस आएंगे. मैं कुछ भी काम करना चाहता हूँ, मान लिया आपने बोला डॉक्टर है, और वो कल किसी ने बनाई थी डॉक्टर है, वो ये काम करना चाहता है गांव में जाके, और वो गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसके पास क्या चैलेंज है आप बताओ? सर वो पैसे शॉर्टेज और टाइम की कमी. डॉक्टर एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत लंबा लाइन होती है, उसको टाइम नहीं मिलता. सैटरडे संडे, शायद सैटरडे भी काम करेगा, संडे एक दिन मिलेगा उसको या डेढ़ दिन मिलेगा, है ना. तो उसकी चैलेंज क्या, उसको टाइम नहीं है गांव में जाने के लिए, तो कब जाना चाहिए? सैटरडे संडे वीकेंड्स. तो हम आपको कैसे पता चला वीकेंड पे जाएगा? क्योंकि आपने चैलेंज समझी उसकी, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर. तो आपने नहीं, ऐसे ही सोचने का तरीका ही होना चाहिए. This is my goal. These are the challenges. These are my solutions. This is how you work. आपको सवेरे 9 बजे पहुंचना है. आपको 9 बजे पहुंचना ही है. तो चैलेंज देखते हो ना कि खाना कितने बजे बनना चाहिए ब्रेकफास्ट में, मुझे कितने बजे उठना चाहिए, कितना डिस्टेंस है, रास्ते में क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको कैसे मैं टैकल करूं. इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, बहुत भीड़ है, इस रास्ते से जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा. डोंट यू थिंक लाइक दिस? सेम स्टोरी. आपको ये काम करना है, अरे इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, इसको लिए ऐसे करेंगे, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए ऐसे करेंगे. तो ये जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको खूब अच्छे से करो. यू नॉट बोरिंग. सर जैसे कि कल सर एक कॉमन स्टोरी सिलेक्ट हुई थी फीमेल इनफर्टिलाइड, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, मींस मैं एक तरीके से हिंदी में नहीं जानता था उसका मतलब क्या होता है. सो एट दैट टाइम आई कैन आस्क यू मस्ट आस्क. आप जानते हो आपको शब्दों से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ना यार अगर प्लीज डोंट माइंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज इट, दैट मींस यू हैव द करेज टू आस्क. देयर इज नो शेम इन आस्किंग. आप क्यों डरते हैं भाई? और वैसे भी इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज. एक आदमी जो चुपचाप बैठ गया था उसको समझ ही नहीं आया, एक आदमी पूछने की कोशिश करता है, हिम्मत है उसमें, और हिम्मत होती है लीडर, शर्म की नहीं होती. तो फिर आपको सारा का सारा चैलेंज क्या थी, मतलब समझ में नहीं आया, सॉल्यूशन क्या भाई? देखो जीवन बड़ा सरल है, एसएसबी इसलिए बड़ी सरल है, जीवन जितना कॉम्प्लिकेट करोगे एसएसबी उतनी कॉम्प्लिकेट होगी. सिंपल है. ओके सर, पीपीटी में जैसे आउट ऑफ बॉक्स स्टोरी लिखने के चक्कर में हम इतनी अच्छी स्टोरी नहीं बना पाते, और हमें ओके ओके गुड 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 क्वेश्चन. आउट ऑफ बॉक्स का क्या मतलब है? आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो एकदम दुनिया से परे. नहीं नहीं, नहीं. आप कोई भी काम करें उसको करने का तरीका आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए. कोई भी काम करो,
कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। गोल, कोई आप गोल को आउट ऑफ बॉक्स मत करो, तरीके को आउट ऑफ बॉक्स करो। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब आपका अपना तरीका, वही आउट ऑफ द बॉक्स। आप क्या करते हो, कह रहे बता दो कैसे कर रहे, कैसे करे, कह रहे नहीं ऐसे कर, ऐसे कर, उसका है भाई, आपका क्या है? आपको ढाबा चलाना है एक, मान लो आप बोलो नहीं नहीं ये तो बहुत छोटा काम है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाय की दुकान को छोटी बड़ी नहीं होती। तरीका उसका छोटा बड़ा हो सकता है। आप जाइए रास्ते में हाईवे पे, 100 आपको ढाबे मिलेंगे, लेकिन उसमें से कुछ एक ही होंगे जो क्रिएटिव है, उनका करने का तरीका एकदम अलग है, आपको पसंद आ रहा है, वही लीडर है उन 100 ढाबों में से। तो आउट ऑफ द बॉक्स इज द मेथड टू डू इट, नॉट व्हाट टू डू। और आपको व्हाट टू डू भी आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो और भी अच्छी बात है। सिंपल गोल एंड क्रिएटिव मेथड्स। आपके मम्मी डैडी आपस में झगड़ा करते रहते, झिकझिक होती रहती, आप कहते हो कि मैंने इस चीज को ठीक करना है, अब मुझे बताइए इसमें आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? तो सिंपल गोल है ना, लेकिन तरीका आउट ऑफ द बॉक्स होगा, क्योंकि मम्मी डैडी को उनके पुराने जो उनके दोनों के फेवरेट थे, एक दिन सवेरे चाय पे जब उनका मूड अच्छा चला रही है, मम्मी की तरफ से गिफ्ट और उनकी तरफ से गिफ्ट, ऐसा कुछ कर दिया कि खुश हो गए और पुराने कुछ एपिसोड्स सुनाए, मम्मी को समझाने का नया तरीका, पापा को समझाने का नया तरीका आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स इज द मेथड नॉट द गोल, बट उसमें करते करते गोल भी अच्छा आ गया, गोल भी नया तरीका आपको दिमाग में आ गया तो अच्छी बात। और कोई? सर इन ग्रुप डिस्कशन जैसे हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, उसपे हमें डिस्कशन करना होता है, तो क्या हम सर तीनों पे बोल सकते हैं या फिर सिर्फ हमें एक पे स्टिक रहना है? देखो टॉपिक है आपको, ज्यादातर टॉपिक क्या हो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और विच इज द बेस्ट सोल्यूशन, ऐसा ही होता है क्या? इससे अलग होता कोई टॉपिक? तो आप मुझे बताइए तीनों पे कैसे बोलेंगे आप? तो कैसे बोलेंगे, एक के फेवर में बोलेंगे जिसको आप बोलते हो विच इज द बेस्ट सोल्यूशन, और दूसरे के अगेंस्ट बोले विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपने बोला चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया बिकॉज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, हमने अभी डिस्कस किया। एज रिगार्ड्स पाकिस्तान इट इज अ थ्रेट बट नॉट बिगेस्ट बिकॉज 1, 2, 3। As regards Bangladesh, not biggest because 1, 2, 3. Therefore, China. तो आपने तीनों के बारे में बोला ना, एक के फेवर में, दो के अगेंस्ट में। एनालिटिकल थॉट है, देखो एनालाइज किया। आप बोल रहे तीनों ही थ्रेट हैं। अरे भाई हमें पता है, हमने तो टॉपिक ये पूछा था विच इज द बिगेस्ट। और कोई? जितना आपको पता उतना तो बताइए। Because I know that interviewer will keep on asking me. No, why are you scared? Why you are manipulating? Why are you thinking so much? Be honest, be truthful. Let him ask. That is his job. आपको जितना पता उतना तो बताइए। देखो नॉलेज अलोन डज नॉट मेक यू लीडर, इंफॉर्मेशन अलोन डज नॉट मेक यू लीडर। इंफॉर्मेशन और नॉलेज का इस्तेमाल करके आप अगर सॉल्यूशन लेके आते हैं देन यू आर अ लीडर। आपको पूछा चलो भाई बताओ यहां पे कितनी पॉपुलेशन है, आपने बोला इतनी, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है। आप बताओ व्यू क्या है, इसको ठीक कैसे करेंगे, या इसमें जो ये कमी है इसको कैसे ठीक करेंगे, आपके पास कोई नया आइडिया है, देन यू आर अ लीडर। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डजंट मेक यू लीडर, यू कैन बिकम अ क्लर्क।
become, with due respect, but to become a leader, you have to find solution to change the status, make it better. So don't worry if you don't know much information. If you don't know exact information, no problem. और कोई सर लेक्चरर में जैसे कोई अननोन टॉपिक आ गया और उसके ऊपर कोई आईडिया नहीं होता है हमारा तो क्या करना चारों में से आप लेक्चरर में से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा तो हो नहीं सकता पर ज्यादा नहीं मालूम है लेक्चरर का फंडा बड़ा क्लियर है कोई भी टॉपिक है उसका रिलेशन देश की डेवलपमेंट से अगर ये समझ में आ गया तो आपको लेक्चर देना बड़ा आसान है ये नहीं समझ में आता मान लिया स्वच्छता अभियान मेरा एक, एक इसके बारे में क्या बोलेंगे आप इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे यही प्रॉब्लम है आपको इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए स्वच्छता अभियान पता है हमको आपको ही पता सबको किसी को ज्यादा पता है किसी को कम पता है किसी को इन्फॉर्मेशन डेटा पता है किसी को नहीं बट आप मुझे ये बताइए कि स्वच्छता अभियान जरूरी क्यों आपको पता है कि इससे देश की डेवलपमेंट होती है ये बताना बहुत जरूरी तो स्वच्छता अभियान से देश की डेवलपमेंट होती है तो कैसा चल रहा है यार इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या चैलेंजेस क्या है स्वच्छता अभियान के और सॉल्यूशन बता दो अब मुझे बताओ इसमें नॉलेज की क्या जरूरत है इसमें थिंकिंग की जरूरत है सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच की जरूरत है आप नॉलेज रटते जा रहे हैं फैक्ट एंड फिगर से कोई इंप्रेस नहीं होता मेरे भाई तो फैक्ट एंड फिगर अगर है तो अच्छी बात है लेकिन फाइंड सॉल्यूशंस देन यू आर द रियल लीडर कोशिश भी कर रहे हैं वो ही काफी है हम आपकी सोच देखना चाहते हैं आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड है स्टेटस चेंजर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी क्यों जरूरत है क्योंकि न्यू चैलेंजेस हैं देश के सामने हमारे एडवर्सरीज के पास नए तरीके आ रहे तो हमें भी अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करना है तो क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने उनको कैसे हम नए तरीके से करेंगे ये बताना है आप उसमें फैक्ट एंड फिगर डालने से कुछ नहीं कोई इंप्रेस नहीं होगा अगर है तो अच्छी बात आपको मालूम है अच्छी बात उनको फायदा मिलेगा आपको बट सिर्फ उनसे कुछ नहीं होने वाला यू टेल मी व्हाट वी हैव टू डू इन मैन पावर टेल मी व्हाट वी हैव टू डू इन इक्विपमेंट टेल मी हाउ यू विल मॉडर्नाइज इन द टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी टेल मी हाउ विल यू इंप्रूव इन साइबर वॉरफेयर Tell me how will you tackle the psych warfare में क्या नया करेंगे सब में बताओ नया नया क्या करोगे आपके पास कुछ है नया सोच नई सोच लीडर बनाती टू फाइंड सोल्यूशन आई थिंक इतना काफी है बिकॉज ऐसे तो चलते रहेंगे काफी लंबे समय तक तो आपने बहुत सवाल अच्छे पूछे तो एक बार फिर से एनर्जी हो जाए